नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। मुजनई नदी पर पक्की पुल की मांग में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। मुजनई नदी पर पक्की पुल बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के विद्यार्थियों ने अलीपुर द्वार जिले के फालाकटा नगर पालिका के बरडोबा घाट में मुख्य सड़क संख्या 17 को जाम कर दिया। इससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। फालाकटा थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची। छात्रों का दावा है कि इस नदी पर काफी समय से पुल नहीं है। हर बार चुनाव से पहले नेता मंत्री आकर हमसे वादा करते हैं, लेकिन आज तक नदी पर पुल नहीं बन पाया है। आज भी नाव से नदी पार करते समय नाव पलट गई और वे नदी में गिर गए और उनका स्कूल जाना बंद हो गया। बीमार मरीजों को इलाज के लिए फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। वैसे ही कृषि उपज और फसल को किसान बाजार में नहीं ला सकते हैं। हर कोई उनके पास आता है और वादा करता है कि पुल बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कोई नहीं आता है, ना ही काम होता है। आज उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि नदी पर पुल बनाया जाए। जलपाईगुड़ी सोना ऑनलाइन स्कूल में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस और वार्ड पार्षद घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आरोपी की चोरों की एक समूह ने स्कूल की कक्षा में पंखे और कई वस्तुओं को लूट लिया और नष्ट कर दिया। स्कूल में लगातार हो रही चोरी से शनिवार को जलपाईगुड़ी शहर में सनसनी फैल गई। शनिवार की सुबह सोनाउल्ला प्राइमरी स्कूल में शिक्षक आए तो देखा कि स्कूल के कुछ पंखे और कुछ जरूरी सामान चोरी हो गए हैं। तभी उन्होंने देखा कि चोरों की एक समूह ने खिड़की तोड़कर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल का पंखा चुरा लिया है और मध्याह्न भोजन कक्ष में बैठे छात्रों के पंखे का कुंडल निकाल लिया है। यहाँ नशे में धुत कई युवा ऐसी गतिविधियां में शामिल है, ऐसा पुलिस ने बार बार बताया है। हालांकि पुलिस ने पिछले चोरी के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस स्कूल में फिर से एक घटना घटी है। शिक्षक से लेकर पार्षद तक पूरी घटना पर चिंतन मनन में लगे हैं, क्योंकि एक शिक्षण संस्थान में इतनी चोरियों के बाद आज तक कोई समाधान क्यों नहीं निकला। मालदा में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित। इंग्लिश बाजार नगर पालिका और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि मनाई। शनिवार सुबह 7:30 बजे मालदा शहर के मनस्कामना रोड स्थित डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने मूर्ति पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। वार्ड नंबर 20 के पार्षद चौताली घोष सरकार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर तापस चक्रवर्ती, सचिव डॉक्टर पीयूष कांति मंडल सहित अन्य डॉक्टर व नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रतिमा पर माल्य अर्पण के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मालदा जिला शाखा ने जिले भर में वृक्षारोपण, स्मृति जुलूस सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। मतगणना केंद्र का पुलिस अधिकारियों ने लिया जायजा। पंचायत चुनाव की मतगणना मैनागुड़ी हाई स्कूल में होगी, वहीं स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने मतगणना केंद्र और स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि मैनागुड़ी हाई स्कूल में 3 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जा रहे हैं, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर पर 5 काउंटर, दूसरे फ्लोर पर 8 काउंटर और तीसरे फ्लोर पर 9 काउंटर होंगे। साथ ही मतदान कर्मियों को पेपर लेने व देने में 20 काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल के मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के दोनों ओर सड़क पर 2 ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा मतदान कर्मियों की सामग्री ले जाने के लिए निर्धारित काउंटर, बैलेट काउंटर, मेडिकल काउंटर, फायर काउंटर भी होंगे। कार पार्किंग के लिए मैनागुड़ी फुटबॉल स्टेडियम को चुना गया है। मतगणना केंद्र पर काम जोरों पर है। सभी स्ट्रॉन्ग रूम 24 घंटे CCTV कैमरे में कवर होंगे। बाहर सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगे। मैनागुड़ी हाई स्कूल प्रवेश मार्ग को शेड से ढक दिया जाएगा। यदि चुनाव के दिन बारिश होती है तो मतपेटियों को सुरक्षित लाने के लिए ये व्यवस्था रखी जाएंगी। मैनागुड़ी BDO सुब्रनंदी ने हमें फोन पर यह जानकारी दी है। आम के बगीचे से युवक का लटकता शव बरामद। आम के बगीचे से एक युवक का लटकता हुआ शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना शुक्रवार को मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के कोटवाली इलाके के मिहिरदास कॉलोनी में घटी। मृतक युवक का नाम सुदर्शन सरकार, उम्र 22 वर्षीय है। परिजनों को घर से करीब 3 किलोमीटर दूर आम के बगीचे में युवक का लटकता हुआ शव मिला। खबर फैलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दोपहर तक शव बरामद कर लिया गया और शव परीक्षण के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि युवक ने आत्महत्या क्यों की। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मालदा जिला परिषद में महिला उम्मीदवारों के मामले में तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे।
इस साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मालदा जिला परिषद में महिला उम्मीदवारों की संख्या के मामले में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल काफी आगे है। पार्टी के जिला नेतृत्व ने एक वाक्य में स्वीकार किया है कि तृणमूल ने इस साल महिलाओं के भरोसे पंचायतों में लड़ने की योजना बनाई है। हालांकि विपक्षी भाजपा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के मामले में कांग्रेस से पीछे है, वही वाम मोर्चा एक कदम पीछे है। इस चुनाव में मालदा जिला परिषद की कुल 43 सीटों में से तृणमूल ने आदिवासी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। उस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने आरोप लगाया था कि विपक्षी पार्टियों को विभिन्न श्रेणियों की महिला उम्मीदवार नहीं मिल सकी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबकी नज़र मालदा जिला परिषद की 43 सीटों पर है। इन 43 निर्वाचन में से तृणमूल ने 22 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उनमें से कुछ गृहिणी है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है और कुछ समर्पित राजनेता है। इस साल कांग्रेस जिला परिषद के लिए 19 महिला उम्मीदवार है। मालदा जिला परिषद में भाजपा की महिला उम्मीदवारों की संख्या 18 और वाम मोर्चा की महिला उम्मीदवारों की संख्या 14 है। मालदा जिला परिषद में कांग्रेस लेफ्ट ने कुल 13 सीटों पर गठबंधन किया है। राज्यसभा सांसद शांता छेत्री कालचीनी में तृणमूल प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। राज्यसभा सांसद शांता छेत्री शुक्रवार को कालचीनी में तृणमूल प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंची। उन्होंने कालचीनी ब्लॉक के संथाली इलाके के गारोपाड़ा में तृणमूल प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सांसद शांता छेत्री ने घर घर जाकर प्रचार किया। सांसद शांता छेत्री ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तक लोगों की पहुंच हो रही है, इसीलिए क्षेत्र के लोग खुश हैं। बरबोरो ऑफिस के नए भवन में काम शुरू होने के कारण शुक्रवार से अस्थायी तौर पर सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में कार्यालय का काम शुरू हो गया। मेयर गौतम देव ने चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती, मेयर परिषद सदस्य और पार्षदों के साथ फीता काटकर इस कार्यालय की शुरुआत की। नए भवन का काम शुरू हो गया है। पूरे भवन को बनाने में करीब 1.5 साल का समय लगेगा, इसीलिए आज से 3 नंबर बोरो कार्यालय को इंडोर स्टेडियम में स्थापित किया गया है। इस मौके पर गौतम देव ने कहा कि यह राज्य सरकार विकास में विश्वास करती है, यही कारण है कि बोरो कमेटी को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम बोरो कार्यालयों को प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया देने का विचार किया है। इसके अलावा एक नया भवन बनाया जाएगा ताकि नगर के कार्य में तेजी लाई जा सके।